हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर से हमने उसकी डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट को डिस्कस किया था, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोल ऑफ एनएलपी एंड नीड्स ऑफ एनएलपी। गोल क्या है एनएलपी का, यानी मेन मोटिव क्या था जिससे हम एनएलपी कॉन्सेप्ट को सर्च किया और उसको यूज कर रहे हैं, और नीड क्या पड़ी एनएलपी को यूज करने की। तो फर्स्टली हम देखते हैं द गोल ऑफ एनएलपी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एनएलपी के गोल्स को और नीड को। द गोल ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज टू डिजाइन एंड बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट विल एनालाइज एंड अंडरस्टैंड जनरेट लैंग्वेजेस दैट ह्यूमन कैन नेचुरली। वो क्या कहना चाहते हैं कि गोल क्या था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, मेन गोल ये था कि ऐसा डिजाइन किया जाए, एक सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन किया जाए और ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे एनालाइज कर पाए वो, जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे वो एनालाइज कर पाए, अंडरस्टैंड में समझ पाए और जनरेट कर पाए आउटपुट को उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में यूजर ने उसको इनपुट दिया होगा। अगर यूजर ने इनपुट उसको मराठी में दिया है तो वो भी आउटपुट मराठी में ही देगा, हिंदी में दिया है तो हिंदी में ही आउटपुट उसको देना पड़ेगा। अब 0101 लैंग्वेज हमें ह्यूमन को समझ नहीं आती, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम काम करता है एक्चुअल में, और हम ह्यूमंस हैं। हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, मराठी, फ्रेंच, अमेरिकन इंग्लिश, जो भी है, ये सब लैंग्वेज उस कंप्यूटर सिस्टम को नहीं आती। तो हमारा मेन मोटिव ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिससे हम यानी कि ह्यूमन पर्सन उस कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ सके और कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को समझकर हम उसी लैंग्वेज में आंसर दे जिससे हम उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। राइट, इतना समझ में आया। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि ह्यूमन जो है नेचुरली जिन लैंग्वेज का यूज करता है उसी लैंग्वेज को एनालाइज करे, अंडरस्टैंड करे और जनरेट करे लैंग्वेज। ओवर एक्चुअली इसके वजह से क्या हुआ, एक्चुअल में यू विल बी एबल टू एड्रेस योर कंप्यूटर थ्रू यूजर एड्रेसिंग अनदर पर्सन। इसका मीनिंग ये है, जैसे एक पर्सन है दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है अपनी लैंग्वेज में। अब एक पर्सन जो है वो यहाँ दिल्ली साइड या हरियाणा साइड का है, वो कैसी लैंग्वेज बोलेगा, नॉर्मल हिंदी बोलेगा, हरियाणवी बोलेगा, और जो दूसरा पर्सन है वो कहीं और जैसे बेंगलोर साइड का, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलेगा या अपनी मदर टंग लैंग्वेज का यूज करेगा। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम क्या हो सकता है, अब दोनों अपनी अपनी मदर टंग का यूज करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, तो ऐसा हो सकता है आधी बात समझ में आए और आधी बात समझ में आए ही ना। राइट, और ये भी हो सकता है कि आधी भी ना आए समझ में, लैंग्वेज के कुछ वर्ड तो हमें पता होने चाहिए ना। अब जैसे हमारे आसपास कोई मुस्लिम है, मुस्लिम पर्सन रहते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत आदत हो जाती है उनके वर्ड सुनने की, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में किस बात पर क्या रिएक्ट करके क्या जवाब देते हैं उसकी। पंजाबी लोग रहते हैं तो उनकी अलग होती हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस अगर हमारे पास हैं, कुछ लैंग्वेजेस तो ऐसे जो हम नॉर्मली सुनते रहते हैं, तो इससे हमें उस वर्ड्स का पता लग जाता है कि हाँ थोड़ी बहुत हैबिट हो जाती है कि ये पर्सन ये कहना चाहता है, उन वर्ड्स को हम समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं, क्योंकि उसको हम सीखते नहीं हैं अलग से, उसका अलग से कोई कोर्स नहीं करते हम कि हमें इसकी बात समझनी है तो हमें इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा, हमें पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, या फिर उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए। बट बात क्या है कि हम सिर्फ चीज़ों को सुनते हैं और सुनकर वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। एक बार गलत होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, चाहे 10 बार गलत हो, 11वीं बार वो सही जरूर होगी, ठीक है। तो हम चीज़ों को सुन रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं अपने माइंड से, और फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, आप जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो वैसी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दोगे। एग्जैक्टली वो लैंग्वेज नहीं आएगी, हो सकता है मदर टंग में टच भी आ जाए आपको जब आप बोल रहे हो उस लैंग्वेज को, बट ये होगा कि कुछ एक वर्ड्स, कुछ एक सेंटेंस आप बोलना सीख जाओगे। उसी तरीके से क्या होता है, ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में भी रिलेशन होता है। हम क्या करते हैं, अब हम 0101 तो सीख नहीं सकते, वो भी उतना फास्ट जितना कि कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है, हम तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बिट्स को कनेक्ट करेंगे, अच्छा ये बिट्स ऐसे बनती है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी कैलकुलेशन में तो गलती हो ही सकती है इतने सारे 01 देख कर, बट दूसरा रास्ता क्या है, दो ही रास्ते हैं, या तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ लें या कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ लें। अब हम तो कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ नहीं सकते 0101 करके, बट दूसरा रास्ता क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम हमारे लैंग्वेज समझ के उसी लैंग्वेज में हमें आंसर दे जिसमें हमने उससे क्वेरी की है, ठीक है। उस पॉइंट पर आकर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं कि हम जो बोले या हम जो टास्क पे टाइप करें या स्पीक करें वो कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आना चाहिए, वो एनालाइज कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और लास्ट में आंसर को जनरेट कर पाए। द गोल ऑफ एनएलपी एज स्टार्ट अबव इज टू अकम्प्लिश द ह्यूमन लाइक द लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। अब जब हम अपनी मदर टंग के बारे में क्यों ना बात करें, क्या मदर टंग हमें सिखाई जाती है। अब किसी की मदर टंग जो हरियाणा में रहते हैं उनकी मदर टंग हरियाणवी लैंग्वेज, तो
क्या कोई उनको हरियाणवी लैंग्वेज सिखाते हैं किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन टीचर पर? कोई भी नहीं सिखाता, ना कोई सेंटर, ना ही कोई स्कूल, कोई नहीं सिखाता हरियाणवी लैंग्वेज बोलना। बट कैसे आ जाती है वो हमें, हमारे आसपास के एनवायरमेंट से। वो हमें कोई बोलना नहीं सिखाता, वो खुद सीख लेते हैं, चाहे हम सीखना चाहें या हम सीखना ना चाहें। बट वो हमारे अंदर क्या होती है, मिक्स हो जाती है अपने आप से, हमारे मदर टंग पर आने, मतलब टंग पर आने लगती है। हम कुछ भी बोलेंगे सेम टंग में, सेम टोन में वो निकलेगा। Though the field of the NLP was originally referred to NLU in the early days of AI, it is well agreed to that will be the goal of NLP is to NLU. यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें NLU जो कि कंपोनेंट होते हैं किसका, NLP का, तो अगर हमें NLP के गोल को फुलफिल करना है तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होगा, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अगर प्रोसेसिंग करना चाहते हो, प्रोसेस करने के लिए क्या करोगे, अंडरस्टैंड में तो आना चाहिए, समझना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए, और वो किसमें होता है, एनएलपी। यानी कि अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दैट विल हैज नॉट बी एन अकॉम्प्लिश, क्योंकि इसके बिना हम नहीं कर सकते नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। ए फुल एनएलयू सिस्टम वुड बी एबल टू, अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जहाँ पर हम एनएलयू की बात कर रहे हैं, तो हम क्या क्या करने के लिए एबल हो जाएंगे, या कौन सा, अगर हम एनएलपी में, एनएलपी में अगर हम एनएलयू के कंपोनेंट्स को यूज करेंगे तो क्या होगा। पैराफ्रेज एज द इनपुट, सबसे पहले हम पैराग्राफ के फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। दूसरा हम क्या करेगा, ट्रांसलेट द टेक्स्ट इनटू अनदर लैंग्वेज। हमने जिस भी लैंग्वेज में उसको टेक्स्ट दिया है, सपोज मराठी लैंग्वेज में दिया है टेक्स्ट लिखकर, तो उसको वो कन्वर्ट कर लेगा अपनी बाइनरी लैंग्वेज में। नेक्स्ट, फिर आंसर द क्वेश्चन अबाउट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, जिस कंटेंट में हमने उससे क्वेश्चन किया है कंप्यूटर सिस्टम से, उसी कंटेंट में वो हमसे पूछेगा, हमें आंसर प्रोवाइड करेगा सेम कंटेंट में। देन लास्ट स्टेज क्या होगा, ड्रॉ द इंफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट में अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो उसके खुद के डिक्शनरी में नहीं है, तो वहां पर डिक्शनरी में वो वर्ड्स को ऐड कर लेगा। हम करेंगे नीड ऑफ एनएलपी, जरूरत क्या पड़ी हमें एनएलपी को यूज करने की, क्यों हमने इसको सर्च किया और इसका यूज किया। फर्स्ट है कंप्यूटर लिटरल्स, कंप्यूटर लिटरल्स वन नीड टू बी नॉट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यानी कि हमें अगर कम्युनिकेट करना था कंप्यूटर सिस्टम से तो उसके साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके जो भी लिटरल्स हैं, सिंबल्स हैं, रूल्स हैं, ये जो भी मेथड्स हैं कि पर्टिकुलर 0101 करके ये ए बनेगा, 0101 करके ये वाला 1 बनेगा, 2 बनेगा, ये सब हमें हर एक यूजर को समझ पाना मुश्किल था। किसी को समझ में आए भी ना भी आए तो डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते तो एनएलपी का यूज़ करना पड़ेगा। पहली नीड तो यही थी। सेकेंड, स्पेशल क्वेरी लैंग्वेज, हमारे पास एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर सिस्टम के साथ। कैन डिस्पोज ऑफ स्पेशल क्वेरी लैंग्वेज विच प्रेजेंटली कंप्यूटर यूजर यूज द एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से वो यूज कर पाए लैंग्वेजेस को। लाइक एसक्यूएल भी क्या है, डायरेक्टली लैंग्वेज है, वो डेटाबेस के साथ काम करती है, बट यूजर के लिए इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता उसको सीखना, डायरेक्टली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर इज अ ह्यूमन टच इज द एनएलपी सिस्टम, यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन होता है किसका, ह्यूमन और एनएलपी सिस्टम का और कंप्यूटर सिस्टम का। वन फील एट होम बाय डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, इंटेलिजेंट सिस्टम। इंटेलिजेंट सिस्टम कैसे है, अब देखो जो भी उसके वर्ड में, उसके डिक्शनरी में वर्ड नहीं होता और ह्यूमन ने क्वेरी की, तो उस टाइम तो वो आंसर दे देगा, बट साथ में अपनी डिक्शनरी में भी उस वर्ड को ऐड कर लेगा, ताकि अगर बाई चांस कभी दोबारा कोई क्वेरी आए किसी और यूजर की तरफ से या सेम यूजर की तरफ से, तो वो क्या कर पाए, उसका आंसर प्रोवाइड कर पाए। एनएलपी इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू इंटेलिजेंस सिस्टम लाइक द रोबोट टू परफॉर्म एज अ पेयर इंस्ट्रक्शन एज अ नेचुरल इन्फॉर्मेशन। सपोज की जैसे एक रोबोट है, रोबोट को हमने कहा सिट तो वो बैठ जाएगा, हम बोल रहे हैं वो कंप्यूटर सिस्टम की तरह समझ रहा है, तो यही होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया जा सकता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसका एग्जांपल तो बहुत ही इजी है और हम बहुत बार कर चुके हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में आप किसको ले सकते हो, टेलीफोन सिस्टम को ले सकते हो, यूट्यूब सर्च इंजन जैसे हैं, माइक्रोफोन्स का वहाँ यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हो। एनएलपी सिस्टम वेयर द कंपाइलर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिंथेसिस सिस्टम इज सर्टेन टू प्रोवाइड द ह्यूमन न्यू एंगेजमेंट, यानी कि लिखना नहीं चाहते तो स्पीक करके बोल दो और वो टाइप करेगा अपने आप से। तो समझ रही थी हमारा आज का टॉपिक, आज हमने किया गोल एंड द नीड ऑफ द एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझ में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।